Okay, in this question we are given that a radio set of 60 watt runs 60 hours. How much electrical energy is consumed? So we are given here that power equal to 60 watt and time is given to us is 60 hours. So what we need to do here, first of all we know the electrical energy equal to power into time, okay, and power should be in kilowatt because here time is given in the hours. तो हमें जो है यहाँ पे 60 अपन 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पावर को बनाना किलोवाट में एंड टाइम विल बी इन द आवर्स. सो इफ यू कैंसिल दिस दैट विल बी 36 अपन 10, इट मीन्स 3.6 किलोवाट आवर और 3.6 यूनिट. दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, in the question number 17, we are given that an electrical appliance of 60 watts runs for a day. How much electrical energy is consumed in kilowatt hour? So here it is the same problem given to us. Power equal to 60 watt and run for a day, it means time equal to 24 hours. And we need to find what? Electrical energy, that is power into time, and power is again given to us in watt, so when you convert it into kilowatt, so we should divide here by 1000, that is 60 upon 1000 and multiplied by 24, that is what, if you multiply this that will be 6 4 24, carry 2 and 12 to 14 by 100, it means 1.44 kilowatt hour. Okay, this is the electrical energy required for running for a day. Okay, that will be the answer. Or you can write here electrical energy equal to 1.44 unit, because 1 kilowatt hour equal to 1 unit. Okay, तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा. अगर ये बात नहीं समझ पा रहा है तो आप एक बार थ्योरी वीडियो देख लीजिए, थ्योरी पार्ट में क्या क्या गिवन था, तो उनके अकॉर्डिंग ये आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 18 वी आर गिवन दैट इन अ हाउस ऑफ 3 बल्ब ऑफ 60 वाट इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स एंड 400 वाट बल्ब आर लाइटेड फॉर 5 आवर्स एवरी डे. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द ड्यूरिंग पर मंथ ऑफ जून. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है देखिए कि जो एक घर में 60 वाट का ना कितना बल्ब, 3 बल्ब है, तो टोटल पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा इसमें, तो पावर कंज्यूम बाय बल्ब. इक्वल टू 60 × 3 है ना, तो 3 बल्ब है तो 180 वाट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिर हमें दे रखा है यहाँ पे कि 100 वाट का कितना है, 4 बल्ब. ठीक है, तो फिर 100 वाट का 4 बल्ब, 100 × 4 इट मीन्स 400. ठीक है. अच्छा, एक बात तो ये है कि ये कितना कंज्यूम करेगा, ये कितना कंज्यूम करेगा, क्योंकि ठीक है ये जो चलता है यहाँ पे ये 4 घंटा चला. ठीक है, तो ये 4 घंटा चला और ये चला आपको 5 आवर्स. ठीक है, ये 4 आवर्स चला, तो टोटल एनर्जी जो हमें कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, तो जून में देखना कितना मंथ होता है. ठीक है, इसके अनुसार हमको ये निकाल लेना है. ठीक है, तो पहले हमें इस बल्ब का जो है हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, इस तरीके से. तो ओके, एनर्जी कंज्यूम बाय 60 वाट बल्ब्स दैट विल बी 180 × 4. ठीक है, तो ये हो गया आपको यहाँ पे, क्योंकि ये आपको वाट में यहाँ पे दे रखा है, ये आवर में है, तो इसको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, दैट विल बी इन किलो वाट आवर. ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, 72 आएगा, 72 × 100 में 0.72 आएगा किलो वाट आवर. ठीक है, तो ये तो पहले का आ जाएगा. ठीक है, दूसरे के लिए क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड के लिए आपको दैट इज
100 इंटू 4 बॉल है और ये चला कितना 5 आवर्स ओके। और इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी किलो वाट आवर में डिवाइड मतलब कन्वर्ट करने हैं, तो दैट विल बी 20/10 इट मीन्स 2 किलो वाट आवर। ठीक है, टोटल ऐड कर लेना टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है दोनों के द्वारा, E1 + E2 दैट विल बी 0.72 + 2 इट मीन्स 2.72 ओके। अब हमें निकालना टोटल कितना कि हमें जो निकालना है कितना दिन में 30 डेज में ना, जून में 30 डेज, तो 30 डेज के लिए तो एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, तो ये तो आपको आगे आवर्स के लिए। ठीक है, टोटल एनर्जी 30 डेज इट मीन्स जून की बात करेंगे हम, तो दैट विल बी 2.72 × 30, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आने वाला है दैट इज 81.6 किलो वाट आवर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो टोटल एनर्जी जो इसमें कंज्यूम होगा 81.6 किलो वाट आवर, इट मीन्स 81.6 यूनिट, तो इतना यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगा पूरा जून में इन दोनों बल्ब के द्वारा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है 19 में क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर बाई 5 एम्पियर करेंट फॉलोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर फॉर 30 मिनट्स। तो सिंपल है, इसमें हम पहले निकाल लेते पावर क्या होता है, पी इक्वल टू होता है I² × R। ठीक है, ये I और R के टर्म की बात करें तो I² मीन्स 5 × 5 × R दे रखा 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 50 हाँ वाट हो गया। ठीक है, एंड टाइम दे रखा 30 मिनट, तो ठीक इक्वल हो गया 30। ठीक है, इसको मिनट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 इट मीन्स 1/2 आवर। अच्छा, ये भी हमको दे रखा है यहाँ पे कि पावर जो वाट में, तो किलो वाट में कितना होगा, तो 50/1000 है ना, तो पावर इक्वल टू हो गया आपको 50/1000, तो 5/100 वाट किलो वाट। ठीक है, तो अब हमने निकाला एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, ये तो आपको पता ही होगा पहले से। पावर हो गया आपको यहाँ पे दैट इज 5/100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/2 टाइम, तो आपको आएगा आई थिंक हाफ हो जाएगा 0.05/2 इट मीन 0.025 आ जाएगा। ठीक है, 0.025 ठीक है किलो वाट आवर, तो ये आपको एनर्जी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, तो हम यूज कर लेंगे पावर को हमेशा किलो वाट में रखना आपको। ठीक है, और यहाँ पे टाइम को आवर में रखना, तो दैट विल बी किलो वाट आवर और ये यूनिट में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो फिर चलते हम 20 क्वेश्चन में, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है बल्ब ऑफ 200 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो पहले आपको दे रखा पोटेंशियल इक्वल टू ये 200 वोल्ट एंड पावर दे रखा है यहाँ पे 100 वाट, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्वल टू होता है V² / P। ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला, V² मतलब 200 × 200/100, 0 0 कैंसिल, 200 × 2 = 400। ठीक है, तो ये आपका 400 वाट जो आएगा, सॉरी ओम जो आएगा, दैट इज रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 400 ओम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया पहला का। उसके बाद क्या, 5 such bulb burns 4 hours, इस तरीके का 5 बल्ब जलता है। ठीक है, कितना, दैट इज 4 आवर्स। ठीक है, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द रेट 50 पैसे पर यूनिट। तो हमको निकालना है यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा, पहले तो एनर्जी इक्वल टू पावर इन टू टाइम होता है, पावर हो गया आपको यहाँ पे 100 वाट, इसको बनाना किलो में। ठीक है, तो 100/1000 आ गया, ये दैट इज 1/10 आ जाएगा किलो वाट एंड मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 0.4 यूनिट। ठीक है, ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। अच्छा, अपन कॉस्ट भी निकाला है, तो कॉस्ट को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा है, तो दैट इज व्हाट कॉस्ट इक्वल टू आ जाएगा एनर्जी इनटू रेट। तो एनर्जी आपको दे रखा है यहाँ पे
0.4 और रेट है 50 पैसा, ठीक है, बाय 100 करना पड़ेगा क्योंकि पैसा है, तो ये दैट इज 0.2 रुपीस आ रहा, तो कॉस्ट इक्वल टू आ गया 0.2 रुपीस। और यहाँ पे फिर देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर में। ओके सॉरी, तो यहाँ पे इस तरीके का 5 सच बल्ब था ना, तो 5 बल्ब इस तरीके का चल रहा है, ठीक है, तो हमको 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे तो एनर्जी जो है यहाँ पे, ये तो ठीक है, ये तो आ गया आपको सिंगल बल्ब का, ठीक है, तो इस तरीके का 5 बल्ब था, तो 5 बल्ब हम निकाल लेते हैं एनर्जी ऑफ 5 बल्ब दैट इज, तो इक्वल टू आ गया एनर्जी ऑफ 5 बल्ब 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 2, ठीक है, तो ये हो गया 2 यूनिट, ठीक है। अब कॉस्ट हमें निकालने हैं, तो कॉस्ट इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ए इंटू रेट, तो ई हो गया आपको 2 यूनिट इंटू रेट हो गया 50 पैसा, तो 50/100 ये तो 2 हो गया कट के, है ना, तो दैट विल बी 1 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, फिर अगर नहीं तो एक बार फिर से आप देख लीजिए वीडियो, ठीक है, तो फिर चलते हम लोग 21 क्वेश्चन में, देखिए क्या 21 में। ओके इन द 21 क्वेश्चन गिवन दैट एन इलेक्ट्रिकल हीटर यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई एंड टैक्स करंट ऑफ 5 एम्पियर्स, व्हाट इज इट्स पावर एंड व्हाट इज द कॉस्ट यूजिंग दिस हीटर ऑफ 1 किलोवाट आवर 50 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है क्वांटिटी हम उसको नोट कर लेते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है देखिए, पहली बात तो यहाँ पे दे रखा है कि पावर दैट इज 220 वोल्ट, ठीक है, एंड करंट आई इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है, तो पावर इक्वल टू होता है यहाँ पे, सॉरी ये पीडी दे रखा है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद पावर इक्वल टू होता है पी इक्वल टू वी इंटू आई, तो दैट इज इक्वल टू 220 इंटू 5 एंड दैट विल कम टू बी, ये पहला का आंसर आपको 0 0 1200, ठीक है, और 1200 को आपको क्या करना है यहाँ पे, सॉरी ये 1100 आएगा, ठीक है, ये तो वाट में आ गया, ठीक है, इसको किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो दैट विल बी 1.1 किलो वाट, ठीक है, तो ये आपको पावर आ गया 1.1 किलो वाट, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, दूसरा मैं क्वेश्चन देखा व्हाट इज द कॉस्ट, है ना, तो भी हमको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट होता है एनर्जी इंटू रेट, तो एनर्जी कितना है यहाँ पे, एनर्जी 1.1 किलो वाट इंटू रेट हो गया आपको यहाँ पे 50 पैसा, तो 50/100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड करना है, तो इस वजह से रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको पैसा में आंसर दिया तो पैसा में आप निकाल सकते, ठीक है, तो दैट विल बी 55, क्योंकि ये पॉइंट उड़ेगा 0, ये कट जाएगा आपको यहाँ से, यहाँ तो 115 से 55 पैसा हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 55 पैसा, और अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसको रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 22 में, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा 22 में, फॉर अ हीटर रेटेड 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट, तो आपको करंट के बारे में पता होगा, इक्वल टू होता है सॉरी पी अपन भी है, ठीक है, इस तरीके से आप तो पी हो गया आपको यहाँ पे कितना पावर दैट विल बी 4 किलोवाट, है ना, बाय 220, तो वाट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 1000 डिवाइडेड बाय 220, कैंसिल कीजिए इसको, कैंसिल करने के बाद आपको अप्रोक्स 18 एम्पियर के अप्रोक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये करने के बाद फिर चलते हम लोग सेकेंड में, क्या रखा है यहाँ पे कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते आप, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपन पी, ठीक है, तो वी स्क्वायर इट मीन्स 220 इंटू 220 बाई पी 4 × 1000, ठीक है, तो 20 तो ऐसे ही कर जाएगा आपको यहाँ से, यहाँ बचेगा यहाँ से क्या 11 और ये 11, ठीक है,
तो 121 बाई 10 इट मीन्स कितना आता है 121 बाई 10 12.1 ओम। तो सेकेंड का आपको आंसर आ गया 12.1 ओम। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kW इज 50 पैसास कैलकुलेट द सेकेंड का सी का देख लेते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम इन टू आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो थर्ड में एनर्जी इक्वल टू होता है पी इंटू टी, तो पी हो गया आपको 4 kW है ना इंटू टाइम 2 दे रखा, चूँकि ये किलोवाट में है और ये भी दे ही रखा है यहाँ पे आवर में ही, तो हमको टेंशन नहीं कन्वर्ट करने का, दैट इज 8 यूनिट या फिर किलोवाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है फोर्थ में कि द कॉस्ट इफ 50 पैसास पर किलोवाट आवर है ना, तो 50 पैसा दे रखा है यहाँ पे, तो आपको कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया एनर्जी इंटू रेट, एनर्जी आपको यहाँ पे दे रखा है 8 यूनिट एंड रेट हो गया 50 पैसास, तो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके 1/2 होगा ये 4। ठीक है, तो आपको आ गया रुपीज़ 4। ठीक है, तो आपको 4 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप ये बात आपको समझ में आएगा। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है।